राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, आप सभी को भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्री बांके बिहारी जी मंदिर से अजा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब मेरे साथ श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ध्यान लगाएं और मानसिक रूप से माथा भी टेकें, ताकि हमारी जो एकादशी है श्री बांके बिहारी जी के मानसिक दर्शनों के साथ इस व्रत की शुरुआत हो। नमः कुंज बिहारिण्य, नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज चौरासी कोस में चार गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंद गाँव। श्री बांके बिहारी जी का मानसिक रूप से ध्यान करने के बाद और स्वामी श्री हरदास जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए आज हम एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो कम से कम एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि एकादशी की कथा भी अपने आप में बहुत ही ठाकुर जी की कृपा में ही है, और यह कृष्ण जी ने युधिष्ठिर एवं अर्जुन को सुनाई है। तो स्वयं श्री कृष्ण जी जिस कथा को कह रहे हैं, हमें उसको अवश्य सुनना चाहिए। तो आप सब यह कथा हमारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल के माध्यम से सुन रहे हैं। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है, इसका व्रत करने का क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा को सुनो। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। देवयोग से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उसे अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को ना छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक समय की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार
विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी तथा इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, किंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारा षड्यंत्र समाप्त हो गया और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथासार: प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। तो आज की अजा एकादशी की पावन कथा में हमने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी और हमने यह सीखा कि कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब व्यक्ति सत्य धर्म पर चलता है तो वह स्वयं भगवान ऋषि मुनियों के वेश में उस मनुष्य की सहायता करने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं। तो आज हमने श्री बांके बिहारी जी मंदिर से इस एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया। इसके साथ साथ आज बांके बिहारी जी मंदिर के संपूर्ण दर्शनों को भी मैं करवाऊंगा। दोपहर में 12 बजे के बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप सब श्री स्वामी हरदास जी महाराज, श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा से इस व्रत को रखें। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आपका ध्यान सदैव बांके बिहारी जी के श्री चरणों में लगा रहे और आपके हृदय में बांके बिहारी जी विराजमान रहे। बांके बिहारी जी का कृपा रूपी वर्षा हम सभी पर सदैव होती रहे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक एवं फॉलो नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और अपना कमेंट रूपी पुष्प बांके बिहारी जी के चरणों में अवश्य अर्पण करें। कुल बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे।